मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान के तहत बच्चों को स्कूलों में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। ऐसा ही नजारा इन दिनों कटनी जिले के दलीपुर टोला में देखने को मिल रहा है, जहां स्कूल भवन के जर्जर होने पर पेड़ के नीचे पाठशाला लगाई जा रही है। दरअसल कटनी जनपद के अंतर्गत आने वाला ग्राम दलीपुर टोला जो मात्र 6 किलोमीटर दूर पर है, जहाँ कोई बड़ा अधिकारी आज तक स्कूल के बच्चों की दुर्दशा की सुध लेने नहीं पहुंचा। दलीपुर टोला में कई सालों से निर्मित शासकीय प्राइमरी स्कूल भवन बहुत जर्जर हालत में है, जिसमें भीतर जाने से ही जान को खतरा है। ऐसे में इस स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक अपनी नौकरी करने किस तरह बच्चों को जर्जर भवन के पास ही बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्कूल में मध्यान्ह भोजन की सुविधा तो है, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठ भोजन करते बच्चों का कहना है कि भोजन करते समय पेड़ से पक्षियों के बीट या कीड़े तक गिर जाते हैं, जिसके चलते उन्हें पास के घरों में जाकर भोजन करना पड़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रिया यादव। कौन सी क्लास में पढ़ती बेटा? कक्षा 5वीं। कहाँ पे पढ़ती हो? बर्ग के नीचे। बर्ग के नीचे? बर्ग के नीचे। दलीपुर टोला का शासकीय प्राइमरी स्कूल है क्या? यस सर। कब से पढ़ रहे हो पेड़ के नीचे आप लोग? 2-3 साल से। तो 3 साल से पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं जाती पेड़ के नीचे पढ़ने में? बहुत दिक्कत जाती है। क्या होता है सर? हम खाना खाते हैं तो उसमें मक्खी गिर जाती है और पानी बरसने लगता है, तो मैं पढ़ाई में वो जाते हैं। रोज आते हो आप स्कूल? यस सर। ठीक, क्या नाम बता दो एक बार और? प्रिया यादव। ठीक, नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा, कौन सी क्लासेस के बच्चे हैं और यहाँ के भवन की क्या स्थिति है? सर, यहाँ का भवन विगत 2 वर्ष से जर्जर हालत में है और यहाँ पे हम लोग पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल है सर ये। तो यहाँ हाँ, यहाँ पे 46 अभी स्टूडेंट है सर। तो सब आते हैं डेली? सर पानी आता है उस दिन बच्चे कम आ जाते हैं, या पेरेंट्स जिस दिन बहुत तेज़ धूप रहती है तो भेजते ही नहीं है। तो आधे बच्चे करीब बच्चों का आना कम होता है? कम होता है सर। ये बताएं, यहाँ पे जिस तरह का मौसम खुले आसमान में बच्चों पढ़ा रहे, बारिश के मौसम में स्कूल लगते हैं? सर बारिश के मौसम में हम क्या करते हैं, कभी बैठा देते हैं साइड में, अगर थोड़ी बारिश हो रही है तो ठीक है, और अधिक हो जाती है तो हम लोग छोड़ देते हैं सर। और बाकी अन्य मौसमों में भी ऐसे खुला आसमान नीचे पढ़ाते हैं? सर खुले ही है अभी। तो साहब प्रशासन ने, कटनी जिला प्रशासन तरफ से, शिक्षा विभाग ने किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया? सर अभी तो नहीं है, पिछले वर्ष इन्होंने यहाँ पे आंगनवाड़ी का एक कक्ष दिया था, वहाँ 2-3 महीने फिलहाल लगा था स्कूल, उसके बाद से वो बंद हो गया। अभी जब नया सत्र चालू हुआ है तो वहाँ पे सामान रखा हुआ है। 1 से 5 तक की कक्षाएं लगती हैं? जी प्राइमरी। जी सर। शिक्षक कितने हैं यहाँ पे? शिक्षक यहाँ पे एक ही शिक्षक है सर। मैं भी यहाँ पे अभी संकुल प्राचार्य ने मुझे अटैच किया यहाँ पे। यहाँ पे जो नेहा नगरिया मैडम थी वो अब मतलब मेडिकल पे है, तो उनके बदली में मेरे को यहाँ भेजा गया है। यहाँ प्रभार पर है आप? जी हाँ सर। तो इन बच्चों को पढ़ाने में आपको पठन पाठन का कार्य कराने में दिक्कत नहीं होती है? सर दिक्कत तो बहुत होती है सर। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे? नहीं कर पाते सर, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते सर, और बहुत तेज धूप होती है तो बच्चे भी बैठ नहीं पाते सर, फिर इधर उधर हो जाते हैं। किसी थी क्या यहाँ पे? सर मध्याह्न भोजन बनता है सर यहाँ पे, और खिला देते। ये बाई का घर है तो अभी हम बोले यहाँ पे कुछ भी गिरते रहता सर, फल गिरते रहते हैं, और कोई पक्षी बीट वीट न कर दे करके उनके घर में खिला देते सर। एक क्या कमरा नाम है आपका? सर मेरा नाम गुलाब पटले। क्या है सर? मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ, प्राथमिक शिक्षक मजगवा फाटक से हूँ, मैं यहाँ पे अटैच हूँ सर अभी फिलहाल 5-6 दिनों से। शिक्षा विभाग के DPC के डहरिया ने बताया कि स्कूल भवन के लिए राशि जारी की गई है, निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाना है, जो सफल न हो सकी और बच्चे पेड़ के नीचे बैठ शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। वहीं कटनी जनपद CEO का कहना है कि जल्द निर्माण कार्य कराया जाएगा। टोला में जो शासकीय प्राइमरी स्कूल है, पिछले 5 से 6 सालों से सड़क किनारे पेड़ के नीचे स्कूल लग रहा है। 5 से 6 सालों से नहीं है, पिछले वर्ष से बच्चे, चूँकि वहाँ निर्माणाधीन एक अतिरिक्त कक्ष है, वहाँ अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हो रहा है, जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से हो रहा है। अभी आधा अधूरा निर्माण हुआ है क्योंकि बरसात का समय है। अभी आंगनवाड़ी भवन में हम बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, और इस संबंध में मैंने अभी आज ही BRC से बात किया है, उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट कराया जाएगा, और जैसे ही बिल्डिंग वहाँ की कंप्लीट होती है वहाँ बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे। पिछले वर्ष भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने बातें की थी, तो क्या 1 वर्ष में भवन निर्माण न होता था? चूँकि निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत इस भवन को बना रही है, तो उस संबंध में सचिव से, सरपंच से बात करके ही आपको इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। अभी द्वितीय किस्त के संबंध में द्वितीय किस्त जारी होने वाली है, बाकी जो निर्माण कार्य बचा हुआ है वो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। सर जिला शिक्षा समिति की इस सब पूरे सब्जेक्ट को लेकर कभी कोई नया प्रोग्राम बनाया,
क्या करना है क्या नहीं करना, अभी तक कोई बैठक हुई है? शिक्षा समिति की बैठक में हम इसको रखेंगे, क्योंकि हमारे कटनी ज़िले में बहुत सारे जर्जर भवन हैं और इनको जो मरम्मत योग हैं उनके लिए हमने RSK को पत्र लिखा हुआ है, और अगर इसकी राशि अगर हमको शासन से राज्य स्तर से प्राप्त होगी तो बाकी जो जर्जर भवन हैं जो मरम्मत योग हैं उनको इस संबंध में कार्य कराया जाएगा। समिति की बैठक कब हुई थी? समिति की बैठक अब इस माह होने वाली है, पिछले आचार संहिता के पूर्व हुई थी, अब बैठक होने वाली है। सर क्या कारण है कि शिक्षा सत्र शुरू होने के बावजूद भी अभी तक जिला शिक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई, कोई नया प्रारूप नहीं बना है, क्या कारण है? देखिए जिला पंचायत में हमारी एक शिक्षा स्थायी समिति होती है, उसके अध्यक्ष हमारे जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो पदेन उसके अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में माननीय श्री अशोक विश्वकर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं। हमारी कल ही माननीय से चर्चा हुई है कि हम लोग जो है इसकी बैठक जल्दी करेंगे। मैंने नोट शीट में उसका संभावित एजेंडा और तिथि निर्धारित करने के लिए माननीय को भेजा है, और उनसे मेरी बात भी हुई है कि हम लोग जो है 25 और 30 जुलाई के बीच में कोई तिथि निर्धारित कर दें तो हम लोग बैठक कर लेंगे, क्योंकि इस बीच में हमारा ये प्राथमिक और सहायक शिक्षकों की क्रमोन्नति और उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया बहुत ज़ोरों से चल रही है हमारे विभाग के द्वारा, तो व्यस्तता ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया है कि 25 जुलाई और 30 जुलाई के बीच में कोई भी तिथि निर्धारित कर दें तो उसमें हम लोग बैठक कर लेंगे। जिले के अंदर बहुत से स्कूल जर्जर हालत में हैं, बहुत जगह पे ऐसे भी तस्वीर नजर आई है जी, जहां जी, बच्चे रोड में बैठे पड़ रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे पड़ रहे हैं। ये समिति इसमें अभी तक संज्ञान नहीं लिया, क्या कारण? देखिए ये स्थिति ज़्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में है, और इसके लिए DPC से विधिवत चर्चा हुई है, और उनके द्वारा ये बताया गया है कि मतलब शासन से कुछ मरम्मत के लिए राशि भी आई है शायद 102 स्कूलों के लिए, तो उसमें काम चल रहा है। शिक्षा समिति का जो अपना कर्तव्य होता है ग्रामीण दूरस्थ और लोगों के आम जन तक पहुंचना और शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना, क्या वजह है कि दूरियां बना? अब ये आगामी शिक्षा समिति की बैठक में जो एजेंडे के बिंदु होंगे उन पर विस्तार से चर्चा होगी, और जो माननीयों का निर्णय होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। मुख्यतः एजेंडे में क्या रखा जाएगा इस बार? अब मुख्यतः एजेंडे में देखिए यही है, जीर्ण शीर्ण और जर्जर भवन, और आगामी हमारा ये प्रवेश की स्थिति, नामांकन और मैपिंग की स्थिति है ना, साइकिल की स्थिति, और ये यही तमाम पाठ्यपुस्तक वितरण सरकार का, ये वितरण ये होंगे। मध्य प्रदेश सरकार का स्कूल चले हम अभियान के तहत बच्चों को स्कूल लाने तक का कार्यक्रम चलाया जाता है, पर यहाँ तो स्कूल ही नहीं है गाँव कटनी जनपद का। नहीं ऐसा नहीं है, स्कूल तो प्राथमिक स्कूल मेरे ख्याल से हर जगह हैं, और अगर ऐसी स्थिति है एक आध दो जगह जहाँ जीर्ण शीर्ण स्थिति में है तो वहाँ नए भवन का भी प्रस्ताव भेजा गया है, DMF से भी प्रावधान किए जा रहे हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जो है प्रयास जारी हैं। बहरहाल देखना होगा कि जल्द ही स्कूल भवन का निर्माण होता है या अभी बच्चे यूं ही खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर रहते हैं। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।